नमस्कार दोस्तों दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2018 की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी, और उसी सीरीज़ में हम लोगों ने 41 प्रश्न देख लिए थे। आज हम लोग 42वां और 43वां प्रश्न देखेंगे। दो प्रश्न हम लोग डेली देखते हैं पेपर वाइज, और यह जो प्रश्न होगा दोस्तों यह जीएस फर्स्ट पेपर का प्रश्न है। 150 शब्द में आप लोगों को लिखना है। और दोस्तों मैं अन अकेडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो आप लोग अन अकेडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं, लाइक शेयर रेट रिव्यू भी कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे वीडियो यहां से आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों कुछ प्रॉब्लम की वजह से अभी 2 दिन वीडियो नहीं आ पाए, अब लेकिन रेगुलर वीडियो आने लगेंगे। और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है और उस पर ज्वाइन होने का प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। 20 दिसंबर से ध्यान रखिएगा, 20 दिसंबर से ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी डिटेल आप लोग देख सकते हैं क्या प्रोसेस है, ठीक है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप लोगों को कार्य मेरा अच्छा लगता है दोस्तों, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखते हैं आज हम लोग। तो आज का प्रश्न है, आपका प्रश्न है, संयुक्त परिवार का जीवन चक्र सामाजिक मूल्यों के बजाय आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का आप लोगों को चर्चा करनी है, ठीक है, चर्चा करनी है। और दोस्तों जो प्रश्न लिखना है आप लोगों को ध्यान रखना है, पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है, पैराग्राफ्स में लिखना है। और जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें कोई कोटेशन या ग्रेट लीडर की लाइन या जो भी वक्तव्य आपने पढ़े हैं उनमें से कोई अच्छा वक्तव्य या किसी गीत के बोल आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि एक अच्छे प्रश्न की शुरुआत होती है और एक एग्जामिनर को एक अच्छा प्रभाव भी पड़ता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। और बॉडी पार्ट में भी आप लोग किसी कोड का यूज़ कर सकते हैं, और कंक्लूजन पार्ट में भी आप लोग किसी एक अच्छी कोटेशन का यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसी को देखते हुए सारी चीज़ों को समावेश करते हुए आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन उत्तर लिखना है। और दोस्तों आप लोग लिख नहीं रहे हैं, आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, समय बहुत कम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा करनी हैं। तो जब चीज़ें ज़्यादा करनी होती तो हमें कार्य भी उसी के अकॉर्डिंग करने होते हैं। और अगर आपको अच्छी रैंक में आना है, अच्छी मेरिट में आना है, अच्छी पोस्ट को प्राप्त करना है, तो आंसर राइटिंग दोस्तों आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है। उत्तर लेखन धीरे धीरे ही आता है दोस्तों, और ये एक प्रक्रिया के तहत आता है कि जब आप एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, तो ये करते करते चीज़ें अच्छी होती हैं। और डेली अगर एक कमी भी आप अपनी सही करते हैं तो 30 दिन के बाद आप देखिए आपका कितना अच्छा उत्तर लिखा जाएगा। लेकिन कमियों को आपको दूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या था, प्रश्न देखते हैं, संयुक्त परिवार का जीवन चक्र सामाजिक मूल्यों के बजाय आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। अब देखिए संयुक्त परिवार, सामाजिक मूल्य और आर्थिक कारक, अब तीनों का संबंध क्या बोला गया है, क्या चीज़ें पूछी गई हैं, इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जितनी मात्रा में पूछा गया है, जितनी चीज़ें पूछी गई हैं, आपको वही चीज़ें ऐड करनी है, अलग से कुछ चीज़ें आप लोगों को ऐड नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। जो चीज़ नहीं पूछी गई है आप उसी के बारे में बताएंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि संयुक्त परिवार क्या होता है। संयुक्त परिवार क्या होता है, एक से अधिक युगल दंपत्ति या कोई एक सिंगल पर्सन रहता है, कई सारे लोग मिलकर एक परिवार में रहते हैं। और प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति की विशेषता भी रही है कि एक ज्वाइंट फैमिली या संयुक्त परिवार का कंसेप्ट हमारे समाज में प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। और ये कई पीढ़ियों से, ध्यान रखिएगा, कई पीढ़ियों से लोग ये साथ ही रहते चले आ रहे हैं, ठीक है। प्राचीन काल से लोग एक साथ एक गांव में, एक घर में, अपने समाज में रहते चले आ रहे हैं, मिलजुल कर रहते हैं संयुक्त परिवार के रूप में, ठीक है। और क्या होता है कि इसमें जैसे एक सामाजिक परिवार का जो जीवन का चक्र होता है वह मूल्यों पर आधारित होता है। कि जैसे देखिए हमारे यहाँ
सभी लोगों के यहाँ, सभी लोग जानते भी होंगे कि जो घर के एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति होते थे तो वो जो बोलते थे वही कार्य होता था, ठीक है, और वो कभी गलत नहीं बोलते थे। हाँ, कुछ समय पर उनसे भी चीज़ें, गलतियाँ देखिए सभी से होती हैं, लेकिन मतलब वो नैतिक मूल्यों पर सारी चीज़ें चलती थी। एक दूसरे की लोग बात मानते थे, जो नैतिक रूप से सही है, परिवार के लिए क्या अच्छा है उसको किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक संयुक्त परिवार में होती थी, और संयुक्त परिवार का जो जीवन चक्र था वो मूल्यों पर आधारित होता था, ठीक है, स्वार्थ के आधार पर नहीं होता था, अपने अपने कार्य के लिए नहीं होता कि हाँ मुझे करना है, नहीं, हमें करना है, साथ में करना है, मिलजुल कर करना है, ठीक है। और क्या चीज़ होते थे, जैसे मूल्य क्या क्या हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ संस्कार होते थे, बहुत सारे संस्कार हैं कि आपको बड़ों से किस तरीके से बात करनी चाहिए, और रिश्तेदारों से कैसे बात करनी चाहिए, मम्मी पापा से कैसे बात करनी चाहिए। एक नैतिक कर्तव्य होते थे कि अगर घर में किसी को दिक्कत है तो हमारा नैतिक एक कर्तव्य बनता है कि हम उसकी चीज़ों को ठीक करें, ठीक है, उनको जो भी तकलीफ़ है उसको दूर करें। तो नैतिक कर्तव्य, जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या कोई काम करना है परिवार में, तो कोई भी व्यक्ति नैतिक दायित्व के तहत उस कार्य को पूरा करता था, ठीक है। तो होता तक क्या था कि जो मूल्य संस्कार और नैतिक कर्तव्य, इसी के कारण लोगों में जुड़ाव रहता था, ठीक है। अब क्या है, जो परिवार है, परिवार के कमज़ोर करने के लिए समान सुविधाएं भी दी जाती थी, ठीक है। जैसे एक परिवार हो जो एक परिवार होता है तो उसमें क्या है, परिवार को कमज़ोर भी चीज़ें यही करती हैं कि जैसे समान सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे जो परिवार के व्यक्ति हैं, जैसे मान लिया एक फैमिली में, कोई ए फैमिली में चार व्यक्ति हैं आपके, 1 2 3 4, ठीक है। अब चारों को क्या होता था कि सभी को समान सुविधाएं दी जाती थी, ठीक है। तो एक संयुक्त परिवार का निर्माण इन सब बातों से होता था। अब क्या है, वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में ये हो रहा है कि जो वर्तमान में आर्थिक मूल्यों पर आधारित होने लगे हैं, ठीक है, आर्थिक मूल्यों पर। लोगों की अगर जैसे फैमिली में 5 मेंबर हैं या 10 मेंबर हैं, उनमें से 2 की नौकरी लग गई, तो उनकी आकांक्षाएं, उनकी जो कार्य हैं वो अपने अकॉर्डिंग करने लगते थे, वो अपने में देखने लगते थे। संयुक्त परिवार में क्या होता था, सभी लोगों के अंदर सहयोग की भावना होती थी, मूल्य संस्कार और नैतिक कर्तव्यों के कारण वो एक दूसरे से जुड़े रहते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है, आज की डेट में यह है कि पैसा ही सब कुछ वो लोग मान लेते हैं, रिश्ते नाते मूल्य इन सब चीज़ों का उनके लिए कोई मूल्य नहीं होता, बस ये होता है कि हमें पैसा कमाना है, हमें आगे बढ़ना है। इन चीज़ों के अलावा भी एक परिवार जो हमारा माना जाता है ना, जीवन की एक सबसे छोटी इकाई, प्रारंभिक इकाई जो मानी जाती है वो परिवार को मानी जाती है, कि परिवार ही प्रथम पाठशाला भी कही जाती है किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसी परिवार से जो व्यक्ति होता है सारी चीज़ें सीखता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ नहीं सही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब परिवार के बाद आती है संयुक्त परिवार, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, सामाजिक मूल्यों के बारे में जान लिया। अब आर्थिक कारक जो हैं, ये आर्थिक कारक कौन कौन से होते हैं, ठीक है, संयुक्त परिवार पर आर्थिक कारकों का प्रभाव। तो अब क्या होता है कि लोग क्या हैं, साझा घर नहीं लेना चाहते, सोचते हैं हम एकाकी परिवार, मतलब हम अलग रहें, एकल परिवार, कहते हैं हम मम्मी पापा के साथ में नहीं रहना चाहते। किसी ए नाम के व्यक्ति की कोई वाइफ होगी बी, तो वाइफ अब माता पिता के साथ में नहीं रहना चाह रही है क्योंकि उनके मूल्य उनके हैं, और वो ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन एक ज्वाइंट फैमिली में जाना नहीं चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी परेशानियाँ, उनकी खुद की इच्छा है, उनको लगता है कि घर में हमें कोई अगर एक कमांड देगा या आदेश करेगा तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो उनके मन में यही भावनाएं आती हैं, तो साझा परिवार में जो साझा परिवार होता है वो चीज़ नहीं वो चाहते। खाना, घरेलू वस्तुएं, ये सारी चीज़ें क्या होता है कि आर्थिक प्रभाव बहुत ही ज़्यादा डालते हैं, कि ए ने बोला कि मैं ही इस महीने मैंने बहुत सारे पैसे अपने परिवार पर खर्च कर दिए, अब मुझे बाकी के लोगों के लिए मैं नहीं करना चाहता, मेरा तो पैसा फालतू जा रहा है क्योंकि
क्योंकि परिवार में वो है अकेला व्यक्ति है, या शादी हो गई तो दो व्यक्ति हैं, लेकिन और अन्य जैसे मान लिया एक परिवार में, इसी परिवार में 10 व्यक्ति हैं, तो अब 10 व्यक्ति में से दो व्यक्ति वो हैं और 8 व्यक्तियों के लिए वो अलग से एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, या एक्स्ट्रा खाना आ रहा है, एक्स्ट्रा घरेलू वस्तुएं कर रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि मैं उनके लिए क्या क्यों करूं, मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें लोगों के जब मूल्य परिवर्तन होता है, नैतिक कर्तव्य परिवर्तन होता है, इनमें जब पतन होने लगता है, वो इन सब चीज़ों को भुलाने लगा है इंसान, भौतिकतावादी जो आज का इंसान है, तो इन संयुक्त परिवार की परिभाषा को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे परिवार, मतलब जो समाज है, समाज में जो ज्वाइंट फैमिलीज हैं उनमें ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। एक वैश्वीकरण भूमंडलीकरण के दौर में इंसान आगे बढ़ना चाहता है कि हम बहुत आगे जाना चाहते हैं, हम विदेश घूमना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जो एक ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट है, ये सब समाज से टूटता चला जा रहा है और एकल परिवार जो है, अब जैसे एकाकी परिवार का चलन भी बहुत ही ज़्यादा होता है, आर्थिक कारण में और भी क्या हो सकते हैं कि जैसे आय, जैसे एक व्यक्ति की आय बहुत ज़्यादा हो गई, जैसे एक परिवार में 10 लोग हैं या 8 लोग हैं, तो 8 लोग हैं, 8 लोगों में से दो की आय बहुत ज़्यादा हो गई, तो अपने आप को सुपीरियरिटी फील कराने लगते हैं कि हम बहुत सुपीरियर हैं, ठीक है, हम बहुत ऊंचे हैं, और बाकी के लोग नहीं कमाते तो वो बहुत नीचे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आय का स्तर भी, जो व्यक्ति नहीं कमाता तो उसके मन में भी आने लगता है कि यार ये चीज़ मैं तो कमा नहीं रहा हूँ, और अगर नहीं कमा रहा हूँ तो मेरा कोई वजूद नहीं है, बस खा रहा हूँ, अपना परिवार में हूँ। तो अब इनको जो इनकी आय अधिक होती है, तो ये आय समानता क्या होती है, ये नैतिक मूल्यों और जितने भी संस्कार हैं, नैतिक कर्तव्य है, इनका ये पतन धीरे धीरे करने लगती है, क्योंकि जो आकांक्षाएँ हैं ना, जो मनुष्य की इच्छाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे निकलने लगती हैं, तो ये बाकी की चीज़ें पीछे छूटने लगती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक सामाजिक मूल्यों में पतन भी होता है, और ये भूमंडलीकरण औद्योगिकरण के कारण भी रोजगार के अवसर के लिए भी लोग ज्वाइंट फैमिली से, जो आपका एकाकी परिवार है, एकल परिवार है, तो सिंगल फैमिली का चलन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और इन पर क्या प्रभाव है कि जैसे एक पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव भी देखा जा रहा है, वर्तमान में भी क्या है, सभी लोग पसंद भी करते हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता के लोग या विदेशों के लोग जो लोग पहनते हैं, ओढ़ते हैं, तो उन चीज़ों को अपने आप एडॉप्ट करता है समाज। ठीक है, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है ज्वाइंट फैमिली से सिंगल फैमिली में होने में। ठीक है, तो अब इसके कुछ उपाय भी आप बताइए, निष्कर्ष में क्या बताना है आप लोगों को, कि हमें नैतिक मूल्यों को जोड़ना चाहिए, जैसे मूल्य संस्कार और नैतिक कर्तव्य, इन सब चीज़ों को लोगों को दोबारा जागरूकता फैलानी चाहिए। ठीक है, लोगों के बीच में आप लोगों को जागरूकता फैलानी चाहिए, सरकार को भी ये कार्य करना चाहिए, और ये एक बेसिक शिक्षा के रूप में अभी एजुकेशन सिस्टम में है, लेकिन और इस पर जोर दिया जाना चाहिए, और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को अप्लाई कराना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, निष्कर्ष के रूप में आपको क्या लिखना है, आपसे प्रश्न जो किया गया था, संयुक्त परिवार का जीवन चक्र मूल्यों के बजाय आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है, तो यह आपका प्रश्न था। ठीक है, आपने पूरा बता भी दिया, लेकिन आर्थिक कारकों पर निर्भर कर रहा है, लेकिन हमें ये तो नहीं, हमें इसके कुछ उपाय भी बताने होंगे कि उपाय क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो लोगों को अपनी सोच में भी परिवर्तन लाना होगा, जिस भी चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं, जिस चीज़ के पीछे हम जा रहे हैं, वो नहीं है। एक संयुक्त परिवार जो होता है उसमें बहुत सारे फायदे होते हैं संयुक्त परिवार के। ठीक है, तो संयुक्त परिवार में आदमी अगर किसी को कुछ हो जाता है, आप सोच के देखिए, एक सिंगल फैमिली अगर रहती है, वहाँ पे अगर कुछ हो जाता है या किसी भी प्रकार की समस्या आती है, कोई देखने को नहीं आता है। अगर वही ज्वाइंट फैमिली में होते हैं, 10 लोग आपसे पूछने बताने वाले होते हैं कि हाँ क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ़ है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पता लगती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सारी चीज़ों से अपनी, देखिए ये इतने सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, कुछ पॉइंट्स आप अपनी तरफ से भी ऐड करके एक बढ़िया सा उत्तर आप लोग लिखिए, और लिखने के बाद आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मुझे सेंड करिए, और टेलीग्राम पर पीसीएस एकेडमी का चैनल है, तो उस पर मैं आप लोगों को दूंगा, सेंड कर दूंगा। ठीक है,
जितने भी उत्तर आएंगे मेरे पास में, तो उनको आप लोग वहाँ से ज़रूर देखिए, और दूसरों के उत्तर देखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, डेली आप लोग देखा करिए, ठीक है? तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, और अच्छे से आप लोग इसको लिखिए, कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में हो तो उनको भी ऐड कर लीजिए, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, आज का GS सेकेंड पेपर का क्वेश्चन देखते हैं। दो दो प्रश्न हम लोग डेली देख रहे हैं, और यह 200 शब्दों में लिखना है। वो जो था पहला वाला प्रश्न, जो था पहला वाला प्रश्न आप लोगों को 150 शब्दों में लिखना था, ध्यान रखिएगा 150 शब्दों में, और इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है 200 शब्दों में, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो 200 शब्दों में आपको इस प्रश्न को लिखना है, GS सेकेंड पेपर का यह प्रश्न है, ध्यान रखिएगा GS सेकेंड पेपर। तो आइए अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास में निहित चुनौतियों जिनमें बेकार एवं लापरवाह जनशक्ति शामिल है, ठीक है? तो इसकी चुनौतियां क्या हैं, चुनौतियों को आप लोगों को टिप्पणी करनी है, और इस चुनौती से निपटने के लिए आप लोगों को उपाय भी सुझाने हैं, ध्यान रखिएगा। भारतीय संदर्भ में आपको चीज़ें बतानी है, समावेशी विकास जो इंक्लूसिव ग्रोथ होती है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है, तो उसमें निहित चुनौतियों को बताना है जिनमें बेकार एवं लापरवाह जनशक्ति भी शामिल है। सबसे पहले तो ये समझिए दोस्तों आप लोग कि समावेशी विकास क्या होता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है? समावेशी विकास का सीधी शब्दों में, बिल्कुल सरल शब्दों में आप ये समझिए कि जो विकास की एक प्रक्रिया होती है, उसी विकास की प्रक्रिया में जितने लोग हैं उनकी उचित एवं बराबर भागीदारी सुनिश्चित करना, ठीक है? जैसे मान लिया एक छोटी सी जगह है या एक जिला है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? तो डिस्ट्रिक्ट में अगर 10,000 लोग रहते हैं, तो 10,000 लोगों की सुनिश्चित भागीदारी और समान अवसर सभी को प्राप्त हो, ठीक है? विकास की प्रक्रिया में सभी लोग कुछ ना कुछ उत्पादन करें, कुछ ना कुछ अपनी आय को अर्जन करें, जिससे उनका खुद का विकास हो सके, ठीक है? तो सभी लोगों का होना चाहिए, यही है आपका समावेशी विकास। उसमें आपकी स्वास्थ्य सेवाएं भी हो सकती हैं, एक शिक्षा हो सकती है, मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें, शिक्षा, विकास, तकनीकी, जो आपका पढ़ाई है, सारी चीज़ें टोटल, ठीक है? सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों के लिए, वो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी के लिए समान विकास के अवसर मिलने चाहिए, और जो विकास हो वो सभी के लिए समान रूप से हो। तो इसको क्या बोलते हैं, समावेशी विकास। अब आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो विकास होता है, इसको भी अलग-अलग आयामों से देखा जाता है, ठीक है? अब ये तो रही बात समावेशी विकास की, समावेशी विकास की जो प्रक्रिया है, तो किस तरीके से क्या होना चाहिए। हमारे देश में बहुत धर्म, जाति और समुदायों के व्यक्ति रहते हैं, तो सभी को समान अवसर, समान विकास की चीज़ें मिलनी चाहिए, सभी को लोगों को जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो हर एक तरीके से होना चाहिए, वो सामाजिक भी होना चाहिए, वो आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक, सभी प्रकार का डेवलपमेंट हर प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए, और विकास की प्रक्रिया में सभी लोगों की भागीदारी भी होनी चाहिए, ठीक है? अब देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोगों को अगर विकास से संबंधित या इंक्लूसिव डेवलपमेंट से संबंधित कोई अगर कोट मिलता है, कोटेशन मिलती है, या कोई लाइन आपको बहुत अच्छी समझ में आती है, अमृत सेन या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, तो उन उसको भी आप लोग यहाँ पर कोट कर सकते हैं, ठीक है? अब क्या है, चुनौतियाँ देखते हैं अब हम लोग। चुनौतियों में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे देश में क्या चीज़ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करती हैं, परेशान करती हैं, इंक्लूसिव ग्लोस के, जो आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ है उसके अगेंस्ट में, ठीक है? तो देखिए, कुशल श्रमिकों की न्यून उपलब्धता, हमारा देश जो है, देश में जनसंख्या बहुत है, 1 अरब से अधिक जनसंख्या है, तो अब बात ये आती है कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या तो बहुत है लेकिन कुशल नहीं है, स्किलफुल नहीं है, उसको अगर टेक्निकल एक्सपर्टाइज कुछ हो जाए या कुछ एक स्किल डेवलपमेंट हो जाए, तो क्या है, वो प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ उद्योग धंधा या छोटी सी दुकान या कोई लघु उद्योग, एक ग्रामीण उद्योग, किसी भी प्रकार का एक शहरी उद्योग, कोई कुटीर योजना या जो भी
लगाना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलना चाहता है, तो उसके लिए क्या चाहिए? कुशलता होनी चाहिए। लेकिन लोगों में क्या है, न्यून कुशलता है, बहुत ही कम कुशल व्यक्ति हैं। और क्या है, क्षेत्रीय असमानता है। क्षेत्रीय असमानता का मतलब ये है कि जैसे गुजरात में देखिए, गुजरात हो गया आपका, देखिए जैसे ये आपका इंडिया है, ठीक है, अच्छे से नहीं बन पा रहा है, मतलब सॉरी, जैसे ये है आपका इंडिया, ठीक है, थोड़ा सा मैप इससे बन नहीं पा रहा है, तो ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे ये आपका गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, उसके बाद गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, उसके बाद केरल हो गया, आपका नीचे तमिलनाडु हो गया, इधर आंध्र प्रदेश हो गया, अब इधर आपका तेलंगाना हो गया। अब राज्यों में देखिए अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो अब क्या है, इन चीज़ों में क्षेत्रीय असमानताएं भी हैं। कोई कुछ तरीके से काम, वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो अलग हैं। कोई शहर है, ये जैसे कोई एक राज्य है मध्य प्रदेश है, तो ये लैंडलॉक है, ठीक है, तो अब इसकी क्या है, इसकी एक रोजगार अवसर प्रदान करने की भी एक क्षमता है कि उसका जिस चीज़ में कुशलता होगी वो वही कार्य करेगा। सबकी कुशलताएं अलग अलग हैं। जैसे आप इधर के क्षेत्र देख लीजिए तो इधर के कम डेवलपमेंट है यहाँ के, ठीक है, अब जैसे गुजरात है, गुजरात और महाराष्ट्र हो गए, ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुके हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी भारत ऊपर चले जाते हैं, आपका हरियाणा पंजाब हुआ, तो ये लोग भी अच्छी खासी मात्रा में डेवलपमेंट किए हैं। लेकिन सभी चीज़ों का, कि जैसे अगर बात करें इंडिया की, तो पूरे इंडिया का जो चीज़ें हुई हैं डेवलपमेंट, तो उनमें क्षेत्रीय असमानताएं पाई जाती हैं, ठीक है, और क्षेत्रीय असमानताएं है क्या हैं, वो समावेशी विकास में बाधक होती हैं, ठीक है। अब क्या अगला पॉइंट कौन सा है, लिंग एवं जाति असमानता। हमारे यहाँ देखिए महिला पुरुष को अलग अलग तरीके से देखा जाता है, कि जैसे पुरुष है, पुरुष सब कुछ कर सकते हैं लेकिन महिलाएं नहीं कर सकती हैं, लेकिन ये लोगों की धारणा बिल्कुल गलत हो रही है आज की डेट में, क्योंकि जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो आज हर जगह पर बिल्कुल अच्छे से कार्य कर रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी पहुँच रही हैं, यहाँ तक कि बॉर्डर फोर्स में भी उनको लगाया जा रहा है, एरोप्लेन और फ्लाइट्स तो चला ही रही हैं, और आपके जो लड़ाकू या फाइटर प्लेन्स होते हैं तो उनको भी वो चला रही हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो दिमाग में एक रूढ़िवादिता है लोगों के, कि हाँ लड़कियां हैं तो ये नहीं कार्य कर सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, वो सब कुछ कर सकती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे विभेद है, असमानता है, जो एक विकास को पीछे छोड़ती है, मतलब विकास की चीज़ों को साइड करती है, एक जेंडर इनइक्वलिटी को आगे ले जाती है, लोगों के दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। एक पुरुष मानसिकता की जो भावना है वो हमारे समाज में अब है, जो कि एक समावेशी विकास के रूप में बाधक है। जातीय असमानता क्या होती है, जातीय असमानता ऐसे होती है कि हमारे यहाँ बहुत सारी जातियाँ पाई जाती हैं, आप अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखें तो ढेर सारी जातियाँ हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं, ठीक है। अब सारी जातियों में है क्या कि जाति असमानता के कारण ही लोग विकास नहीं कर पाते, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाते, कि वो इस जाति का है तो उसको हम ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, लोगों को ये लगता है कि वो इस जाति का है तो उसको ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे संविधान में सभी लोगों को समान रूप से अवसर प्रदान किए गए हैं, और सभी को एक जाति के आधार पर नहीं, सभी चीज़ों के आधार पर एक समावेशी विकास के लिए, उत्पादन करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ जाति असमानता बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। अगला क्या है, नौकरशाही एवं भ्रष्टाचार। हमारे यहाँ देखिए ब्यूरोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा खराब है, जो कि समावेशी विकास के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। और क्या चीज़ हो सकती है, जैसे जो नौकरशाही है, तो नौकरशाही में लोग अपने आप को सुपीरियरिटी दिखाते हैं, जो योजनाएं हैं वो सही तरीके से लोगों के पास नहीं जा पाती, और भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा होता है, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो सही तरीके से निचले स्तर तक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है, तो ये
एक नौकरशाही और एक भ्रष्टाचार, ये समावेशी विकास में बहुत ही ज़्यादा बाधक है। अब आप सोच के देखिए कि कोई योजना चली सेंटर से, केंद्र से कोई योजना चली और उसको स्टेट तक आते आते कितने सारे ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से गुजरना पड़ता है, कितने राजनेताओं के माध्यम से गुजरना पड़ता है। तो होता क्या है कि ये जो पैसा आता है इसमें एलोकेट किया गया होता है, तो वो पैसा बंदर बांट हो जाता है बहुत सारे लोगों में, बढ़ता बढ़ता फिर लास्ट में एट द एंड में होता क्या है कि थोड़ा सा पैसा लाभार्थी को मिलता है या लाभ उससे मिलता है, ठीक है। और क्या चुनौतियां हैं? और चुनौतियां ये हैं कि शिक्षा, हमारे यहाँ शिक्षा का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो सही नहीं है, जो प्राइमरी लेवल एजुकेशन होती है वो अच्छी नहीं है। अब इसको भी हमें अच्छा करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक समावेशी विकास में शिक्षा बहुत ही ज़्यादा, मतलब पहला पिलर आपका शिक्षा माना जाता है। अब आज की डेट में कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षित नहीं है तो आप ऐसा होगा कि आप कुछ कार्य कर लेंगे लेकिन होगा क्या कि शिक्षा के कारण कहीं ना कहीं आप सारी चीज़ों में समावेशित रूप में आप चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आपको इंग्लिश नहीं आती या हिंदी नहीं आती तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ों से वंचित किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा शिक्षा वैसे भी एक अच्छे, एक नैतिक फुल कर्तव्य जो आपका नैतिक रूप से सही व्यक्ति है उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और शिक्षा एक बेस मानी जाती है, शिक्षा से ही वो चाहे आपके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े, IIM हुआ, IITs हुए, तो इनके माध्यम से शिक्षा प्रोवाइड की जाती है जो कि एक देश के समावेशी विकास में भी लाभदायक होती है, लोगों के समावेशी विकास में भी लाभदायक होती है, ठीक है। अब वो देखते हैं, उपायों को देख लेते हैं कि ये जो चुनौतियां हैं इनको हम किस तरीके से, इन चुनौतियों से निपट सकते हैं, तो इनके बारे में अब हम लोग देखते हैं कि देखिए सबसे पहली बात, हमारा प्रशासन बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए, जितनी भी चीज़ें हैं उसमें कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। जब हमारा प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी अच्छी होगी कहीं से लीकेज नहीं होगा, अगर शासन प्रशासन अच्छा हो गया तो सारी चीज़ें एक अच्छे लाभार्थी तक पहुँचेंगी। अगर उस लाभार्थी तक वो ऋण या पैसा या जो भी लाभ है अगर मिलता है तो उसके माध्यम से वो कुछ ना कुछ खरीदेगा या कोई नया रोजगार स्टार्ट करेगा, तो उससे क्या होगा, एक समावेशी विकास की अवधारणा बहुत ही अच्छी तरीके से परिलक्षित होगी। शिक्षा की गुणवत्ता को हमें ऊपर उठाना पड़ेगा, शिक्षा के जो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनको भी हमें बहुत अच्छी फंडिंग देनी होगी जिससे वो रिसर्च की और सारी चीज़ों को वो बढ़ावा दे सकें, ठीक है। और क्या चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे हमें कृषि उत्पादकता में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, जो तकनीकी है तकनीकी का उपयोग करते हुए हमें अच्छे अच्छे बीजों का, हाइब्रिड बीजों का और अच्छी प्रकार की किस्मों की जो फसलें होती हैं उनको उगाना चाहिए, ठीक है। और एक कृषि उत्पादकता में वृद्धि है वो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए जो कि एक समावेशी विकास में भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या हो सकता है, एक नियंत्रित मुद्रास्फीति होनी चाहिए, जो हमारी मॉनेटरी सिस्टम है उसमें इन्फ्लेशन जो होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखेगा, ठीक है, रखना जरूरी है, ठीक है, जिससे समावेशी विकास हो सके सभी का। और क्या है, बुनियादी सुविधाएं जो आपका बिजली पानी रोटी कपड़ा मकान, ये जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो लोगों को मिलनी चाहिए, ठीक है, या उनको कमाने के अवसर प्रदान करने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को मिलनी चाहिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि जो विनिर्माण क्षेत्र है उसको हमें बहुत ही ज़्यादा उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसको विकसित करना पड़ेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड होती है तो उसमें हम लोगों को विनिर्माण क्षेत्र में सभी चीज़ों को विकसित करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी जो बुनियादी चीज़ें हैं उनमें हम लोगों को एक बाहर का निवेश लाना पड़ेगा, सरकार को भी निवेश करवाना पड़ेगा और जितनी भी चीज़ें हैं लोगों को जिससे रोज़गार मिल सके, ठीक है। एक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए कि राजनेता जो लोग हैं अच्छे अच्छे कानून बनाएं समाज के लिए, जो समावेशी विकास के लिए सहायता करें, और जितने भी श्रम कानून हैं श्रम कानूनों में सुधार की भी वर्तमान में आवश्यकता है। और क्या है, और ये है कि राजकोषीय मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और
आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, तो दोनों की दोनों नीतियां जो होनी चाहिए वो रोजगार मुखी होनी चाहिए, मतलब रोजगार देने वाली होनी चाहिए, ठीक है, वो पैसा कमाने वाली नहीं होनी चाहिए। जिससे क्या है, पैसा तो आएगा ही, लेकिन अगर एक एक व्यक्ति, भारत का एक एक व्यक्ति अगर पैसा कमाने के लिए इच्छुक हो चुका और पैसा कमाने लगा, तो भारत ऑटोमेटिक ही डेवलप कर जाएगा। और क्या है, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन बहुत अच्छी प्रकार से होना चाहिए, उसमें भ्रष्टाचार और लीकेज, इस सारी समस्याएं, इस प्रकार की सारी समस्याएं नहीं होनी चाहिए। और जो एक्चुअल जो आप में जो लाभार्थी हैं उनको उसका लाभ, उस योजना का लाभ मिलना चाहिए। सरकार को इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलानी चाहिए, कौन सी योजना में क्या क्या चीज़ें किसको मिल रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पॉइंट्स डालने हैं, और कुछ चीज़ें आप लोग अपने भी मन से ऐड कर सकते हैं, जो भी इस प्रश्न के रेलेवेंट हैं, जो भी इसके अकॉर्डिंग हैं, तो उसको आप लोग ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद किसी कोटेशन या किसी लाइन से आप लोग अपने कंक्लूजन को समाप्त करिए, निष्कर्ष लिखिए, निष्कर्ष को और अच्छी तरीके से बताइए कि हमारे यहाँ क्या चीज़ें ज़रूरत है और समावेशी विकास के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। कम शब्दों में आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से, शब्द चयन आप लोगों का अच्छा होना चाहिए, और ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होती हैं ग्रामेटिकल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट्स में आप लोग ना लिखा करिए, डायग्राम का यूज़ करिए और पैराग्राफ्स में लिखिए, दो पैराग्राफ में जुड़ा होना चाहिए। तो ये सॉरी कुछ बातें हैं, तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लिखकर आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग सेंड करिए, जिसको मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और बताने के बाद व्हाट्सएप नंबर पर जैसे ही आप लोग सेंड करेंगे, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, ठीक है, जिसको आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, लिखते रहिए दोस्तों प्रश्न, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने प्रश्न आप लोग लिखते रहिए, और डेली एटलीस्ट अगर आप दो प्रश्न भी लिखते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।